तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जियोफाई से ये आईबॉल का ये राउटर जो है कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि DVR को ऑनलाइन करने में ये परेशानी जो है एक बड़ी समस्या आती है, और हर राउटर का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। डीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, आई बटन में वीडियो दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा कि डीलिंग से कैसे कन्फिगर करते हैं। और आज मैं मेरा मूड नहीं था, लेकिन मैं आईबॉल के बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज मेरे स्टाफ के साथ ये समस्या आई और मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या आप लोगों के साथ भी आ रही होगी। आज आईबॉल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये आईबॉल का ये राउटर है 300M, ये आपका है डबल एंटीना वाला राउटर है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ये आपको पता ही है, ये आईपी है 192.168.1.1, और इसके बाद पासवर्ड है एडमिन, SSID है आईबॉल बैटन, ठीक है। और ये आपका बाकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये आपका जो है, ये आपका वैन से अगर आपको लेना है तो यहाँ से इनपुट है वैन से, और ये आपका लैन का इन आउट इनपुट एंड आउटपुट है, ठीक है। लैन से आउट करते हैं इसमें इंटरनेट। तो आप याद रखिएगा कि DVR को ऑनलाइन करने के लिए जियो फाई से इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगर करने के बाद इस तीनों में से किसी एक पोर्ट से इस पर नहीं करना, क्योंकि ये इन है, यहाँ पर जो है ब्रॉडबैंड वगैरह का कनेक्शन यहाँ पे इन होता है, और ये तीनों आउट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आउट करना और DVR के लैन पोर्ट में डाल देना, बाकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको पता ही है। तो मैं आज खासकर रिसीव के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर ये पावर पोर्ट है, पावर पोर्ट के बाद ये रीसेट बटन है, अगर कोई गलती हो जाती है या फिर ऐसा इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई आपका पासवर्ड जान गया है, तो फिर आप यहाँ पर रीसेट करके फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होता है। तो ये जो आईपी था वो आईपी यहाँ पर डालना है, सॉरी आईपी यहाँ पर डालना है, और बस सिंपल सा है 192.168.1.1 यहाँ पर डाल देना है। कुछ इस तरह से जो है आपका ओपन हो जाएगा। पासवर्ड यहाँ पर जो एडमिन मांग रहा है, पूरे ध्यान से समझिएगा, यही बारीकी है। एडमिन यहाँ पर है, यहाँ पर लॉगिन कर दीजिएगा। एडमिन ऑटोमेटिक आया, हालांकि ये राउटर के पीछे एडमिन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डीलिंग वाले में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, ब्लैंक होता। अब यहाँ पर आपको है, यहाँ पर वैन का टाइप है, डायनेमिक आईपी है नहीं, स्टैटिक आईपी है नहीं, यहाँ पर रुक जाते हैं। यूज़र नेम वगैरह, चलिए यूज़र नेम दे देते हैं कुछ भी, मान के चलिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देवेंद्र, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब पासवर्ड यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है पासवर्ड यहाँ क्लिक करना है। मान लीजिए कि अगर आपका राउटर का पासवर्ड किसी को पता चल गया, या किसी तरह की कोई समस्या हो गई आप, या फिर पहली बार ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा आपका राउटर अगर ये आपने कीजिएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है, पासवर्ड सिंपल सा है, आप कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन 3456, ठीक है, एडमिन या 3456। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, देखिए सेव होने के बाद वायरलेस कनेक्शन हैज़ बी डिस्कनेक्ट, जो ऑटोमेटिक है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आईबॉल बटन है, अब यहाँ पर सिंपल है, वो जो पासवर्ड है यहाँ पर फॉरगेट कर देते हैं, और इसके बाद फिर जो वही पासवर्ड को डालना है जो अभी हम लोग डाले थे, एडमिन 3456, कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल सा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और ये एक अहम पार्ट है, जो कि पासवर्ड वाली कहानी है, और ये जैसे कनेक्ट होता है आपका, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया कनेक्ट, और अब गूगल क्रोम को ओपन करना है, और इसे हटा देना है पुराने पेज को, और यहाँ पर फिर से वो आईपी डालना है, आईपी यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब देखिए कुछ इस तरह से पेज आ गया, यहाँ पर इसे ओपन करना है, यहाँ पर सिंपल कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, ऑपरेशन मोड में जाइए, ऑपरेशन मोड में यूनिवर्सल रिपीटर में जाइए। यूनिवर्सल रिपीटर में जाते ही देखिए यहाँ पे जियोफाई का जो मेरा था वो यहाँ पर आ गया, वाईफाई का नाम यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर अब मेरा वाईफाई का पासवर्ड ये मांगा जा रहा। तो चलिए वाईफाई का जो पासवर्ड है, अब हम लोग वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कितना आसान है। तो चलिए वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर इंटर कर दे रहा हूँ, जो है 69S कैपिटल में है, ZMU5555, सेव कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है राउटर जो है ये रिस्टार्ट होगा, और राउटर रिस्टार्ट होने के बाद फिर से कनेक्ट करेंगे हम लोग,
और उसके बाद देखेंगे कि मेरा इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होता है या नहीं। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप देखते होंगे ये परेशानी जो है खासकर अलग अलग सॉफ्टवेयर को जब यूज़ करते हैं ये कंपनियां। डी लिंक में आपको आदत हो गई, डी लिंक का वीडियो मैंने बना दिया, आप देख लीजिएगा। इसके बाद बहुत तरह के अलग अलग जो हैं आपका आईबॉल का, तो ये तो अलग बहुत ही अलग है। अगर कोई नया लड़का है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, और मेरे स्टाफ को परेशानी आई तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बना दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, चुकी आप लोगों के साथ भी ये परेशानी आती ही होगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी है और मेरा कनेक्शन जो है आईबॉल का कितनी जल्दी से आता है। तो भैया अब यही परेशानी है कि सभी में ऐसा नहीं होता, डीलिंग वगैरह में तो डीलिंग का आइडिया आता, मगर यहाँ कहीं आईबॉल का आ ही नहीं रहा और ये परेशानी आती है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो भी गया, कोई सब कुछ चाहिए, मगर वही है कि jiofi का ही SSID आईबॉल के अंदर आ गया और वो आपको शो कर रहा है ये आईबॉल का ही है। तो आप कैसे पता आईबॉल का यहाँ पर नाम शो हो, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। हालाँकि इतना होने के बाद आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड बना है, और वो पासवर्ड बनने के बाद जो है कनेक्ट हो भी जाता है। यहाँ पर देखिए मेरा कनेक्ट भी हो जाएगा, अब देखिए कनेक्ट हो गया, इंटरनेट चलने भी लगा, सब कुछ सही हो गया। लेकिन अब परेशानी ये है कि ये तो jiofi का आ रहा है, मुझे चेंज करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो कैसे करना। तो यहाँ पर अब आपको 192 वाला नहीं चलना, यहाँ पर iBall बटन wifi.com पर यहाँ पर करना है, गो पे जाना है। यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ दिखा दिया कनेक्शन स्टेटस ब्रिज सक्सेसफुली इन यूनिवर्सल रिपीटर मोड। लेकिन अब कहानी यहाँ पर नाम बदलना, यहाँ पर सीधे जाइए आप वायरलेस सेटिंग में। वायरलेस सेटिंग में देखिए कि SSID का नाम क्या है, SSID का नाम आपका jiofi ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, कोई भी जो नाम आप बताना चाहते हैं। मान के चलिए कि मैं एक शॉप का कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गणेश स्टोर्स। ठीक है, ठीक है गणेश। अब हाइड वायरलेस भी कर सकते हैं, इसको आप हाइड करना चाहते हैं हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाने भी नहीं कि यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है, ये आप हाइड भी कर सकते हैं। ये सारी कहानी है, और यहाँ पर देखिए पासवर्ड है, सेव कर दीजिए। देखिए द वायरलेस कनेक्शन विल डिसकनेक्ट, प्लीज़ कनेक्ट अगेन। ठीक है, इसके बाद ये करें तो वायरलेस कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा, सब फिर से कनेक्ट करना होगा वाईफाई वाले में, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे, क्या जाता है। इस तरह से जो ये सेव हो गया और यहाँ पर ये कंप्लीट। अब देखते हैं कि सही में ये डिस्क कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक ये देखते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये पेज है ये पूरी तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर वाईफाई हम लोग सर्च करते हैं कि यहाँ पर वाईफाई में कौन सा आ रहा है। देखिए गणेश स्टोर्स आ गया, jiofi आ ही रहा है, jiofi का था, अब गणेश स्टोर्स आ गया जो हमने नया बनाया था। यही परेशानी है आईबॉल में, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन आपने लिया है तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से उसी पासवर्ड को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा काम हो गया, कनेक्ट हो गया। चलिए अब YouTube चला के देखते हैं, और यहाँ पर देखिए मेरा YouTube सक्सेसफुली चल गया। अब देख रहे हैं कि YouTube यहाँ पर चल रहा है। तो ये तरीका है DVR को, आईबॉल वाला राउटर को कॉन्फ़िगर करने का।